के साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मंगलवार को मामूली विवाद को लेकर भुवरकुआ थाना क्षेत्र में हुई ऑटो चालक की हत्या के बाद मृतक के परिजन और समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और कलेक्टर कार्यालय भुवरकुआ थाने पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही मृतक के परिजनों को शासकीय योजना के तहत मुआवजा राशि देने की भी मांग की गई है। दरअसल कल भुवरकुआ थाना क्षेत्र में एक कार और एक रिक्शा में हुई भिड़ंत के बाद कहासुनी के चलते कार चालक ने ऑटो रिक्शा चालक को रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिससे रिक्शा चालक लोकेश सावले की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने भुवरकुआ थाना और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देते हुए मांग की है कि मृतक के परिवार और उसकी पत्नी और चार छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेसहारा हो गए हैं, उन्हें शासकीय योजना के तहत मुआवजा राशि स्वीकृत कर परिवार की सहायता की जाए, ताकि मृतक के बेसहारा परिवार को जीवन यापन में सहायता मिल सके और बच्चों को शिक्षा दीक्षा हासिल करने में मदद मिल सके। समाज के लोगों ने यह भी मांग की है कि भावना नगर में पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए और आरोपियों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उनका जुलूस निकाला जाए, जिससे आरोपियों में पुलिस का खौफ कायम हो सके। अपने लोकेश का पासपोर्ट फोटो, लोकेश का फोटो है मेरे मोबाइल में, मोबाइल में व्हाट्सएप कर, आपका नंबर जरूर। 9826 आ गया, 9826 छोटा बच्चा की फोटो हो गई, नहीं कहूँगा लोकेश की फोटो चाहिए, 7 3 6 लोकेश की जी। हेलो भाई साहब, किस तरह ज्ञापन देना है? कल भुवरकुआ थाना क्षेत्र में एक छोटे से विवाद को लेकर रिक्शा चालक के द्वारा कार में जो टक्कर हुई, इस बात को लेकर कार चालक राजेश शुक्ला और उनके पुत्र के द्वारा लोकेश सांवले की जो है निर्मम हत्या कर दी गई। मात्र छोटे से विवाद को लेकर गोली मार देना कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता को दर्शाता है। और आज उस छोटे से गुस्से के कारण चार बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, पत्नी बेसहारा हो गई, माता पिता भी अधेड़ और उम्र दराज हैं। आज इनके बीच में कमाने खाने वाला जो कमाने वाला वो नहीं रहा, भविष्य में इनकी शिक्षा दीक्षा और जीवन यापन का संकट है। इस हेतु भले ही समाज यहाँ पर एकत्रित होकर माननीय जिलाधीश महोदय के समक्ष याचना लेकर आए थे कि संबल योजना के तहत इस परिवार को जो है मुआवजा राशि 4 लाख रुपये प्रदान की जाए। पूर्व में भी हमारी भले ही समाज के कई लोगों की हत्याएं और दुर्घटनाएं हुई, हम जब जब आते हैं हमको केवल आश्वासन दिया जाता है, पत्र व्यवहार किया जाता है, किंतु जो सरकार की योजना है उनका लाभ नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा महसूस होता है कि शासन प्रशासन भी हमसे भेदभाव करता है, क्योंकि योजनाएं तो नाम से अनुसूचित जाति की है किंतु हमारे को उसका लाभ नहीं मिलता। तो उस बात का भी आक्रोश हमारे साथ में था, हमारी समाज में था। और चूंकि भावना नगर क्षेत्र में यह 5वीं हत्या है, 1 वर्ष के भीतर 5 हत्या हुई जिसमें 4 दलितों की हत्या हुई, तो वहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तथा पुलिस का खौफ कायम हो, अपराध कम हो, इसलिए आरोपियों का जुलूस निकले सार्वजनिक रूप से, ऐसी हमारी मांग थी। और इस बात को लेकर हमने माननीय DM साहब से मिलने का प्रयास करा, किंतु उनके प्रतिनिधि के रूप में SDM साहब आए थे, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया हर बार की तरह कि हमारी सुनवाई करेंगे, बाकी हम हर बार निराश होकर लौटते हैं। और आज अपेक्षा रख रहे हैं कि कभी सफल हो जाए तो ये बच्चों का भविष्य बन जाएगा, क्योंकि इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, ये बेरोजगार रहे तो जीवन में भीख मांगेंगे, अन्यथा अपराध करेंगे और बाद में सरकार हमें दोषी देगी, हमारे समाज को दोषी देगी। तो मेरा आप मीडिया कर्मियों से भी निवेदन है कि हमारी समाज को, पिछड़े वर्ग को न्याय मिले, दलित समाज का शोषण नहीं हो, इनका दोहन नहीं हो, इनको कम से कम शिक्षा दीक्षा जीवन यापन हेतु राशि, मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए, ऐसा आपका भी प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।